तो लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, चाहे वो SYL परियोजना हो, चाहे जमीनी विवाद हो, सीमा विवाद हो, नदी को लेकर विवाद हो, ये तमाम मुद्दे हैं जो बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जिसकी स्थिति अभी भी वही बनी हुई है। यूपी उत्तराखंड का विवाद भी लगातार बढ़ता ही गया, जिसकी स्थिति भी अभी भी वही है। चाहे हम उसकी बात करें, यूपी उत्तराखंड में परिसंपत्तियों का विवाद हो, बांध का विवाद हो, ये सारे मसले रहे। सीधे रुक कर लेते हैं सोनू सिंह का। सोनू, जिस तरीके से यूपी उत्तराखंड में परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर ये मामला बढ़ता गया, बांध की जो स्थिति है बंटवारे को लेकर, वो भी स्थिति वही की वही है। बातचीत बहुत हुई लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। बिल्कुल ठीक कहा आपने दीपाली, वार्ता जरूर हुई है कई दौर की, बावजूद इसके जो नतीजा है वो सिर्फ और सिर्फ सुनने ही नजर आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के उस सीमांत क्षेत्र में जो बॉर्डर एरिया कहलाता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं, ये वो जल की धारा है, जिस जल की धारा पर एक दीवार के इधर तो अधिकार उत्तराखंड का है और दूसरा जो अधिकार है वो उत्तर प्रदेश का है। यानी जब एक नियंत्रित मात्रा में जल होता है तो उत्तर प्रदेश की मेहरबानी पर ही जो करोड़ों लोग तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाने आते हैं वो उत्तर प्रदेश की मेहरबानी पर ही निर्भर होते हैं। और जब बरसात का समय होता है तो निश्चित तौर पर जब पानी अधिक मात्रा में होता है, जल अधिक मात्रा में होता, तब अलग बात है कि उत्तर प्रदेश के लोग जो सिंचाई विभाग के हैं वो अधिक मात्रा में पानी स्टोर नहीं कर पाते और उनकी मजबूरी हो जाती है कि वो उत्तराखंड को जल देते ही देते हैं। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये हम सीधी तस्वीरें आपके जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, ये जो पुल है, इस पुल के उस पार का जो हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश के अधिकार क्षेत्र का है और जो पुल के इधर है, ये जो पानी की धारा आप देख रहे हैं, जल की धारा, ये उत्तराखंड के अधिकार क्षेत्र में। यानी जब लोग तीर्थ नगरी हरिद्वार में गंगा जी में डुबकी लगाने आते हैं आस्था की, तब उनको उत्तर प्रदेश की मेहरबानी की आवश्यकता पड़ती है। जब दीपावली का समय होता है तो उस वक्त जो है, जब गंगा जी की सफाई की जाती है, तब भी यूपी से वार्ता की जाती है। यानी तमाम ऐसी नहरें हैं, तमाम ऐसी नदियां हैं, चाहे सहकारिता से संबंधित हो, चाहे डैम हो, जिनकी मेहरबानी अभी भी उत्तर प्रदेश के पास है। बात होती है मुख्यमंत्री स्तर पर, बात होती है यहाँ पर, जब मजबूरी हो जाती है तब तो यहाँ पर पानी देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब जरूरत होती है, ऐसा तो है नहीं कि हरिद्वार की गंगा में सिर्फ उत्तराखंड के लोग ही पहुंचते हैं, देश के कोने कोने से लोग वहां पर पहुंचते हैं, यूपी के भी लोग पहुंचते हैं। ऐसे में जब जरूरत है उसको सुलझाने की, क्यों नहीं सुलझाया जाता है ये मसला। सोनू, बने रहिए, आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे, बाकी संवाददाता से भी लगातार हम इस मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे। तो इंडिया 24/7 की मुहिम लगातार जारी है, आगे भी इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही।